नमस्कार एंड वेलकम टू द ज्ञानी गुरुकुल। मैं आदित्य तिवारी। अब तक आपके पास एक खबर आ चुकी होगी कि इस तरीके से कनाडा, कतर के बाद अब भारत पर अमेरिका ने भी आरोप लगाया है कि वह उनकी सॉइल पर, उनकी मिट्टी पर उनके नागरिकों की हत्या करने का षड्यंत्र रच रहा है। हालांकि यह बात सुनने में बड़ी अटपटी लगती है कि अमेरिका जैसे देश में आज भारत इतना सक्षम हो गया है कि उनके नागरिकों की हत्या कर रहा है। चलिए जानते हैं कि क्या है पूरा मामला। यह मामला तब सामने आया जब यूनाइटेड किंगडम में स्थापित फाइनेंशियल टाइम्स में एक स्टोरी पब्लिश हुई कि यूएस ने इंडिया को वार्निंग दी है कि आप हमारे सिटीजन्स को मरवा नहीं सकते, और ऐसी हत्याओं के ऊपर उन्होंने चिंता व्यक्त की है। यह स्टोरी रिलीज हुई थी 22 नवंबर को। हाल ही में यूनाइटेड स्टेट्स के जस्टिस डिपार्टमेंट ने एक पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट रिलीज किया जिसमें उन्होंने डिटेल्स दिए कि किस तरीके से एक भारतीय इन्वॉल्व्ड था इस पूरे षड्यंत्र को रचने में। यह पूरा का पूरा वर्जन अमेरिकन है। अभी तक भारत सरकार ने इस पर कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी है, सिर्फ यही बात कही है कि हमने एक कमेटी स्थापित कर दी इसकी जाँच पड़ताल करने के लिए। अमेरिका के अनुसार निखिल गुप्ता, जो कि एक भारतीय हैं, वो न्यूयॉर्क सिटी में एक असासिनेशन यानी कि हत्या प्लान कर रहे थे। किसकी? गुरुपतवंत सिंह पन्नू की। आप सभी जानते हैं कि कुरवंत सिंह पन्नू खुद को खालिस्तानी नेता मानता है। इसने हाल ही में जो वर्ल्ड कप हो रहा था भारत में, उसमें टेररिस्ट अटैक की भी बात कही थी। तो ऐसे लोगों को अमेरिका खुले तौर पर छूट दे के रखा है कि वो भारत के खिलाफ जहर उगलते रहें। ये क्यों करता है अमेरिका, इस पर हम आगे डिस्कस करते हैं। पर आगे इस पर और समझिए कि और क्या क्या आरोप लगाए गए थे। निखिल गुप्ता एक और भारतीय एजेंट के साथ मिले जिनका नाम नहीं स्पेसिफाई किया गया है, उन्हें CC1 बुलाया जा रहा है। निखिल गुप्ता और CC1 दोनों साथ में मिलकर इस हत्या के षड्यंत्र को रच रहे थे। उन्होंने एक हिटमैन को हायर करने की बात कही। हिटमैन वो लोग होते हैं जो पैसों के लिए कत्ल करते हैं, यानी सुपारी लेकर कत्ल करने वाले। अमेरिका में इनको हायर करने के लिए करीब 1 लाख से 1.5 लाख डॉलर तक देने की बात कही गई, जो कि भारतीय रुपयों में करीब 80 लाख से 1.2 करोड़ तक होता है। हैरान करने वाली बात यह है कि निखिल गुप्ता को 30 जून को अरेस्ट कर लिया गया था चेक रिपब्लिक में। उन्होंने चेक रिपब्लिक पर एक्सट्रेडिशन के लिए फाइल भी किया यूनाइटेड स्टेट्स की सरकार ने। अभी तक एक्सट्राडाइट नहीं हुए हैं निखिल। एक और बात, निखिल गुप्ता की उम्र 52 साल बताई गई है, और उन्हें यह भी कहा गया है कि ये सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के कोई सदस्य रहे पुराने। दूसरे शख्स जिनके साथ निखिल कोऑर्डिनेट कर रहे थे यानी CC1, उनके विषय पर कोई ज्यादा जानकारी नहीं दी गई। उनके लिए भी यही कहा गया है कि वे भी इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसी के कोई सदस्य थे। आप इस बात से समझिए, यह मामला करीब 5 से 6 महीने पुराना है। एक दूसरी बात जो सामने आ रही है, आपको याद होगा कि निज्जर जो था, हरदीप निज्जर, उसकी मृत्यु हुई थी, उसकी हत्या हुई थी कनाडा के मुताबिक 17 जून के करीब में, और उसके लिए उसने भारत को ब्लेम किया था। और उसी दौरान निखिल गुप्ता का भी पकड़ा जाना, यह केवल इत्तेफाक है या सच में ऐसी कोई साजिश है, इस पर अभी तक कोई खुलासा नहीं हुआ है। हालांकि निखिल गुप्ता के पकड़े जाने के बाद वापस से कनाडा ने शुरुआत कर दी कि देखिए, हम तो बहुत पहले से कह रहे थे ये वो, पर अभी भी वो कोई भी प्रूफ नहीं दे रहा है। अब प्रश्न यह उठता है कि अमेरिकी सरकार को आखिरकार यह सब पता कैसे चला। तो इसकी शुरुआत तब होती है जब निखिल गुप्ता और CC1 दोनों तलाश कर रहे थे एक ऐसे शख्स की जो कि हत्या कर सके पन्नू की। उसी वक्त उनकी मुलाकात एक ऐसे इंसान से होती है जो कि अमेरिकी सरकार के नज़दीक है। वह अपनी पहचान छिपाकर रखता और यह सारी जानकारी वहां की फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी FBI को सौंप देता है। FBI एक डी एजेंट की मदद से नकली हिटमैन क्रिएट करती है, और जब इस हिटमैन को पैसे सौंपे जाते हैं तब यह बात निष्कर्षपूर्ण हो जाती है कि हाँ, इसके पीछे भारत सरकार है। यह पूरा का पूरा वाक्या अमेरिकी की तरफ से दी गई जानकारियों के अनुसार है। अब तक भारत सरकार ने इस विषय पर कुछ भी नहीं कहा है, केवल उन्होंने एक कमेटी बना दी है इसकी जाँच परख करने के लिए। बड़ा प्रश्न यह उठता है कि एक तरफ जब इतने बड़े प्रोग्राम को फंड किया जा रहा है, इतने बड़े प्रोग्राम को एग्जीक्यूट किया जा रहा है, तो ऐसी छोटी गलती कैसे कर सकते हैं। बनी बात है, अगर ये इंडियन एजेंट्स होते, इंटेलिजेंस सर्विसेज के एजेंट्स होते, तो वो बहुत ही ज़्यादा प्रिकॉशियस रहते, वो प्रिकॉटेड रहते कि हम किसी से भी बात ना करें, क्योंकि उन्हें भी पता है कि खालिस्तानियों को बचाने के पीछे अमेरिका हाथ धोकर पड़ा है कि उन्हें बचा के ही रखना है। तो इंसान को पहचान पाने की ही गलती कर देना, मुझे नहीं लगता कि ये सत्य होगा। पर फिर भी हमें वेट करना चाहिए कि क्या कैसा रिस्पांस आगे आता है। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि अभी भी निखिल गुप्ता चेक रिपब्लिक में ही हैं, एक्सट्राडाइट नहीं किए गए US में। उनके ऊपर जो चार्जेस लगे हैं वो हैं हायर फॉर मर्डर के, यानी फिरौती देकर हत्या करवाने का। इसके लिए मैक्सिमम जो सजा है वह करीब 10 वर्षों की है।
एक और बात जो इस रिपोर्ट में सामने आई है कि गुजरात पुलिस ने कुछ केसेस रजिस्टर कर रखे थे निखिल गुप्ता के नाम पर, लेकिन इंटेलिजेंस एजेंसी जो भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसी है उनके कहने पर इन सारे चार्जेस को ड्रॉप कर दिया गया था, और यह इसी शर्त पर किया गया था गुप्ता पन्नू की हत्या करवा पाएंगे। देखिए प्रश्न अब यह उठता है कि एक ऐसा शख्स जो खुले तौर पर धमकियां देता आतंकी हमले कराने के, फिर भी उसे क्यों प्रोटेक्ट करके रख रही है अमेरिकी सरकार? खालिस्तानियों के प्रति इतना नर्म रुख क्यों है अमेरिकी सरकार का? इस पर एक कोट है हेनरी किसिंजर का, ये एक समय पर विदेश मंत्री हुआ करते थे, रिचर्ड निक्सन उस समय अमेरिकी प्रेसिडेंट थे। किसिंजर ने कहा था कि अमेरिका का कोई परमानेंट दोस्त नहीं है और ना ही कोई परमानेंट दुश्मन है, केवल अमेरिका के इंटरेस्ट हैं, मुनाफे हैं, फायदे हैं। यह सुनने में कितनी कठोर स्टेटमेंट है, पर यही सत्य है अमेरिका को लेकर। अमेरिका एक तरफ जब भारत के विपक्ष में खड़ा था, आपको 1971 का युद्ध याद होगा, अमेरिका केवल अपने मुनाफे के लिए 1971 में हो रहे ईस्ट पाकिस्तान यानी कि आज के बांग्लादेश में नरसंहार को सपोर्ट कर रहा था, जो कि पाकिस्तानी सरकार, पाकिस्तानी हुकूमत कर रही थी, पाकिस्तान की आर्मी कर रही थी आम बांग्लादेशियों पर। तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को हेनरी किसिंजर ने बूढ़ी चुड़ैल कहा था और भी कई सारे अपशब्द कहे थे। तो आज हम जिस भारत और अमेरिका के संबंधों की दुहाई देते हैं कि बहुत मजबूत हो रहे हैं, ढेर सारे भारतीय अमेरिका में कार्य करते हैं, अमेरिका की ढेर सारी इन्वेस्टमेंट भारत में आती है, कहीं ना कहीं इसमें एक हिडन इंटरेस्ट है अमेरिका का। और अमेरिका भी इस बात को बहुत अच्छे से जानता है, वो बहुत समय से यह कोशिश कर रहा है कि भारत उनके पाले में आ जाए। हालांकि भारत खुद में रहेगा, स्टैंड अलोन रहेगा, न्यूट्रल रहेगा, और यह बात अमेरिका भी बहुत अच्छे से जानता है। वो कई बार फ्रेंड्स की बात करता, अलाइज की बात करता है, वो बताता है कि ये कंट्री हमारे मित्र मुल्क है, ये हमारे संगी साथी हैं, लेकिन भारत को लेके उनके ऐसे विचार नहीं है, वो खुद भी जानते हैं इस बात को। तो एक बड़ी स्टेटमेंट भी आई थी व्हाइट हाउस के ऑफिशियल्स का कि भारत कभी भी US का अलाई नहीं बनेगा, वो एक दूसरी बहुत बड़ी पावर बनेगा। और अमेरिका जब ऐसी बात कहता है तो उसे पता है कि आज नहीं तो कल भारत भी चैलेंज करेगा अमेरिका की सुप्रीमेसी को, जो सुपर पावर का इकलौता टैग लेके अमेरिका बैठा है। और इसी कारण से अमेरिका कुछ ऐसे मुद्दों को बना के रख रहा है ताकि वो इंडिया को दबाने की कोशिश कर सके। उनमें से खालिस्तान एक बड़ा मुद्दा है। आपको पता होगा खालिस्तान का जो जनक है वो अमेरिका और ISI यानी पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी, इनको मिलके बनाया गया है। इन्होंने ही फंडिंग दी थी कि खालिस्तान जैसा कोई मुद्दा पनप सके भारत में, वरना कभी भी ऐसा था नहीं, आप जानते हैं। तो जहां खालिस्तानी भारत में टेररिस्ट हैं, जैसे पन्नू हो गया, निज्जर हो गए, लेकिन इनके लिए जैसे अमेरिका हो गया, उनके लिए एसेट की तरह है कि जब कभी भारत बहुत ऊंचा राइज करेगा तो खालिस्तान के मुद्दे को दिखाकर भारत को दबाने की कोशिश करेंगे वैश्विक स्तर पर। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद।